टीवी मोबाइल से दूर बच्चों को कैसे रखे, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल के माँ बाप को बहुत फिक्र है, चिंता है कि बच्चों को मोबाइल से टीवी से दूर कैसे रखे। टीनेजर जो है उनके अभी बच्चे टीनेजर बन गए, उसके बदले वो स्क्रीन एजर बन गए, अभी स्क्रीन के साथ में बड़े हो रहे हैं। नुकसान क्या है, टीवी मोबाइल में जब बिजी रहते हैं तो लोगों का सोशल लाइफ अभी कम होते जा रहा है दिन ब दिन। सोशल स्किल्स लोगों को मालूम नहीं है, शारीरिक शक्ति कम कम होते जा रही है, लोग बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं। घर में बैठना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, मोटे खाना खाना, जो मोबाइल पे दिखता है वही खाना खाना, एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है, और मोटा होना। तीसरा, मेंटल बीमारी ज्यादा हो रही है, ये बच्चों में ज्यादा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर देखी गई है, लर्निंग डिसऑर्डर देखी गई है, और स्किजोइड पर्सनैलिटी ज्यादा हो रही है ऐसा मालूम पड़ रहा है। बच्चों को कम से कम, मतलब उनका जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ 30 मिनट का ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, बच्चों का स्क्रीन टाइम आधे घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो भी टीवी के सामने कम से कम 7 फीट दूर रखकर, दूर खड़े रह के या बैठ के टीवी देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। स्टीव जॉब्स को पूछा कि भाई आपने मोबाइल निकाला, आईफोन निकाला हुआ है, तो उसके खुद के बेटे को 16 साल तक उसका मोबाइल टीवी नहीं मिलता था, तो उसको पूछा ऐसा आपने क्यों किया कि बच्चों को 16 साल की उम्र तक मोबाइल दिया नहीं। बोले ये राक्षस है और मुझे मालूम है इससे कितना नुकसान होता है, जिसने मोबाइल तैयार किया वो खुद अपने बच्चों को मोबाइल देता नहीं था। अभी यदि बच्चों का मोबाइल या टीवी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, माँ बाप को पहले खुद का मोबाइल कम करना पड़ेगा, जो सबसे कठिन है। पहले दादा दादी का मोबाइल कम करना पड़ेगा या उनका टीवी कम करना पड़ेगा, क्योंकि घर के जो प्रौढ़ व्यक्ति रहते हैं उनको काम धंधा नहीं है, तो फिर वो टीवी के सामने कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, और जब दादा दादी को बैठे हुए देखते हैं बच्चे तो फिर वो भी उनके साथ में बैठ जाते हैं, तो उनका टीवी का टाइम कम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ के दे रहे माँ बाप या मम्मी, तो जैसा मोबाइल में वो चित्र देखता है तो वो उसको एक्साइटमेंट होता है, डोपामिनर्जिक सिक्रीशन होता है, ब्रेन स्टिम्युलेट होता है, वहां रुक जाता है रोना, उनको अच्छा लगता है कि चलो ये दे दो, बच्चों को तो रोना बंद हो जाएगा। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को, 2.5 साल 3 साल के बच्चों को मोबाइल की आदत लग रही है। अच्छा, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मम्मी क्या करती है, चलो मोबाइल लो, उसके ऊपर कार्टून देखो, गाना सुनो, या कोई तभी चित्र देखो, खेल देखो, और वो खेलते खेलते देखते देखते खाना खिलाओ, ताकि बच्चा खाना खाता है, धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है कि भाई मोबाइल देखे बिना या टीवी देखे बिना खाना ही नहीं खाता। दूसरा क्या होता है, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी को कुछ काम धंधा तो है नहीं, और उसके पास में सिर्फ बैठी हुई है, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी मोबाइल पे खेल रही है, बच्चा बाजू में बैठा हुआ है, उसको समझ में आता है कि खाली टाइम रहा तो ऐसा खेलना पड़ता है मोबाइल के ऊपर, तो फिर वो भी वैसा सीखते जाता है। तो हमको ये सब अपनी खुद की आदतें छोड़ना पड़ेगी। अब बच्चों को दूर रखना है मोबाइल से या टीवी से तो क्या करना पड़ेगा, उनको सोशल लाइफ स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, लोगों के साथ में बातचीत कैसे करना, कैसे मैनर्स रहना चाहिए, लोगों का आगत स्वागत कैसे करना चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे बोलना चाहिए, जब खाना खाने किसके यहाँ जाते हैं तो किस तरह से पेश आना चाहिए, ऐसे उनको सोशल लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाना जरूरी है। नए नए फ्रेंड्स कैसे मिलाना या जमा करना, नए लोगों के साथ में बातचीत कैसे करना, फिर कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को सिखाओ, तो फिर उसमें बहुत फायदा बच्चों का हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए लगाओ। क्या होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता खेलना कम हो जाता, पढ़ाई ज़्यादा हो जाती, और बाद में एक्सरसाइज करते ही नहीं, खेलना भी नहीं, पहले से उसको एक्सरसाइज की आदत लग गई तो खेलना बंद हो गया तो कम से कम एक्सरसाइज चालू रहेंगे, और अच्छी हेवी एक्सरसाइज कर लिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक, तो थक भी जाएगा बच्चा, खाना भी अच्छा खाएंगे और जल्दी सो भी जाएगा। कहता है कि थकने के बाद में भूख भी अच्छी लगती है, फिर उसके पीछे घूमना नहीं पड़ता बच्चों के, खाना खा खाना खा। फिर नेक्स्ट और एक करना है कि एक ऐसा ठहरा लेना फैमिली में कि भाई हमको डिवाइस फ्री डिनर करने का है। डिवाइस फ्री मतलब उस दिन मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं है, और हमारे डिनर में, डिनर के समय कोई भी मोबाइल पे खेलेगा नहीं, मोबाइल देखेगा नहीं, कोई जवाब देगा नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, कोई भी होटल में जाते हैं, एक फैमिली बैठी हुई है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बच्चे इतने बड़े हैं ना जिनके पास में मोबाइल दिया हुआ है, तो चारों भी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं जब तक वो ऑर्डर ना आए खाने के वापस। मतलब ऑर्डर दे के रखी है, अभी वो खाना खाने का, अभी आइटम्स आने के हैं, तब तक हर व्यक्ति अपने मोबाइल के ऊपर खेल रहा है, साथ में जाते क्यों समझ में नहीं आता। तो एक ये करना है कि भाई डिनर जो है वो साथ में करेंगे, डिनर के समय इंटरनल कम्युनिकेशन जो है
आपसी जो संवाद है वो अच्छा रहेगा, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे की दुनिया में जाएंगे, और उस समय कोई भी व्यक्ति स्ट्रिक्टली कोई भी डिवाइस पास में रखेगा नहीं और उसके ऊपर कुछ जवाब देगा नहीं, तो डिवाइस फ्री डिनर। फिर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि मोबाइल फ्री डे और टीवी फ्री डे, कि भाई एक दिन है ना हमने बिल्कुल बंद कर डाले, मतलब ये आदतें जो है अपने को लगी हुई है वो आदत तोड़ने के लिए बहुत काम का है। तो यदि हम ये इस तरह से हम आपको अपने अपने आप को ट्रेन करेंगे और बच्चों को ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों की जो जिद है मोबाइल और टीवी की वो कम होते जाएगी। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी पेरेंट्स को शेयर करो, क्योंकि हर पेरेंट इससे जूझ रहा है कि क्या करे भाई इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।